तो आप लोग कोई हाइड्रोलिक क्लच वाली गाड़ी ऑन करते हैं, इसमें स्लिप सिलेंडर आता है, तो आप लोग सोचते हैं स्लिप सिलेंडर में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आप गियर बॉक्स के पार्ट्स में, आपकी कोई भी गाड़ी हो, फ्रंट व्हील ड्राइव हो, रियर व्हील ड्राइव हो, ठीक है। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ पोजीशन, वो महिंद्रा गाड़ियों के लिए है। इसकी पोजीशनिंग ये यहाँ पे लगता है, एक पुरानी गाड़ी जितनी भी महिंद्रा की सब में यही पोजीशन है, ठीक है। इसके टाइप थोड़े अलग अलग आते हैं, अभी थोड़ा आई वी वेल्यूट हो गया, ये ज़्यादा हो गया कॉम्पैक्ट, लेकिन ऐसा लगता है। इसको रिप्लेस भी किया था मैंने वीडियो में, तो अपना एरा टी वी एस का, तो ये मतलब जो शोल्ड गया टी वी एस का, उससे पहले बोस का था टी वी एस। तो जो महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियों में ओ यू एम में भी यही प्रोडक्ट आती है, महिंद्रा भी यही देता है अपने पैकिंग में, लेकिन प्रोडक्ट टी वी एस की रहेगी। इसका काफ़ी क्लच सिलेंडर हो गया, ब्रेक बूस्टर हो गया, ये भी स्लिप सिलेंडर है क्लच का ये भी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करो। शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो अभी दिखाता हूँ मैं इसको संभाल के रखा था, देखो ये ऐसा दिखता है, आपको आइडिया जाएगा। अभी कोई भी कार हो जो आप गियर व्हील है तो आपको इधर ही गियर बॉक्स पे ही माउंटेड रहेगी, गियर के पास ही, इंजन के पास वाले में, ठीक है। ये ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ये ऐसे स्थिति में रहता है, ये दिख रहे हैं। ये जो यही सिलेंडर है, जब आप यहाँ से प्रेस करोगे तो यहाँ से ऑयल आता है, और ये अंदर बाहर मूव करता है, थोड़ा बाहर रखा है क्योंकि निकाल के दिखा सको अंदर सामान क्या है, नहीं तो बहुत मेहनत करती है निकालना, लगती है निकालने में। मेरा यहाँ से लीकेज था, यहाँ से इसमें ऑयल भर जाता था। हटाते हैं, ये देख लो, इसे मेन कंपोनेंट में पहले एक डंडा ले लो, जो डंडा मूवमेंट करता है, ये ऊपर से कवर है जो डस्ट ना लगे इसके, ठीक है, कट जाता है, डस्ट लगती है तो ये आपका कट जाता है ऑयल सील, ठीक है। देखो ये दो ऑयल सील है, ये बाहर हिस्से में रहता है, ये सिलेंडर में ऐसे रहता है, अंदर रहेगा, और उसके ऊपर ये जो डंडा है, डंडा निकाल के दिखाता हूँ, ये इस पर ऐसे लगा रहता है, और ये आपके उस पर जो लीवर है उस पर लगा रहता है, ये अंदर बाहर होता है, मूव करता है, ठीक है, इसके ऊपर रहता है। तो जब इसकी ऑयल सील कट जाती है या ये खुद घिस जाता है अमुक टाइम के बाद, तो इसमें से ऑयल लीकेज होने लगता है, आपका काम करना बंद कर देता है, या फिर जैसे कि ऑयल ख़राब हो गया है, ये मूवमेंट इसकी कम हो जाएगी, मतलब इसे स्लेज जम जाएगा तो मूवमेंट कम हो जाएगी, तो आपका पेडल हार्ड हो जाएगा, ये भी रीज़न है। फिर इसके अंदर एक स्प्रिंग आती है जो इसको आगे पीछे करती है, मतलब आपने दबाया बाहर गई फिर वापस आएगी इसी से, ये इसमें ऐसे इंगेज होता है और ये अंदर ऐसे रहता है, तो पूरा नहीं दबा रहा हूँ, निकालना पड़ता है। फिर यहाँ से ऑयल जब दबाओगे तो ये बाहर जाएगा, फिर जब ऑयल का प्रेशर कम होगा तो वापस अपनी स्थिति में चला जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, सिंपल एक मैकेनिज्म है, उसका क्या बोलते हैं, पिस्टन का, मतलब ऑयल प्रेशर पे काम करता है पूरा, और अगर ये परफेक्ट काम करता है आपका क्लच एकदम मस्त मुलायम चलेगा, अगर ये ख़राब है तो हार्ड चलेगा। मैंने क्लच का बदला था मास्टर सिलेंडर, उसका वीडियो भी दे दूँगा देख लेना, इसको बदला इसका वीडियो दे दूँगा देख लेना। तो ये इसके मेन पार्ट है, हाँ एक चीज़ रह गई, यहाँ से सपोज जब आप ऑयल चेंज करते हो या फिर एयर आ जाती है या इसको रिप्लेस कर रहे हो, तो यहाँ से एयर निकालते हैं, एयर ब्लीड का मतलब एयर ब्लीड वाल बोलते हैं, यहाँ से एयर निकलेगा, ठीक है, निकालने के लिए। तो आपके सिस्टम एयर नहीं रहेगी तो मस्त काम करेगा, एयर रहेगी तो आपका पेडल स्पंची रहेगा या कई बार हार्ड हो जाएगा, इंगेज होगा इंगेज नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है, लेकिन बहुत नेसेसरी पार्ट है, रास्ते में आपको धोखा देगा, देखो पोस्ट की ब्रांडिंग है, अगर बहुत रास्ते में आपको धोखा देता तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा इंस्पेक्ट भी करते रहने का, आपको लगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, फिर दूसरी चीज़ आपको इसमें रिपेयरिंग किट भी आती है, सपोज आपको रिप्लेस नहीं करना है, आपका पिस्टन बराबर है, सिर्फ ऑयल सील कटी है इसकी, ये और स्प्रिंग का भी, ये ऑयल सील आ जाएगी, आप ये बदल दो ऑयल सील, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर, बहुत आसान है, हाँ बाहर निकल गया, तो ये बहुत आसान चीज़ें, बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन बहुत मेन पार्ट है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बने रहे मेरे चैनल पे। वीडियो ख़त्म करते हैं अपना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।